166, सही है? क्या क्या टू कॉमन निकाले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 166। टू एट सिक्सटी, टू फोर सा सॉरी टू एट सिक्सटी, टू थ्री सा सिक्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 83। ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन क्या निकालिए, एंगल b प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय द थ्योरम। b बोलो कितना दिया हुआ है, y प्लस 3 और एंगल d कितना है 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। y प्लस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 180। तो हम पहले 4x लिख रहे हैं, 4x प्लस y इज इक्वल टू 180 प्लस 2, 4x प्लस y इज इक्वल टू 182। ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है? तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करें, लोग सॉल्व करें। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 83, x प्लस y इज इक्वल टू 83, साइन चेंज कर दो। बोलो 3x, यहां बोलो 12 में से 3 गया 9, यहां हो गया 17, 17 में से 17 में से 8 गया, क्या सही है? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू 33। अब क्या करें, पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करो x प्लस y इज इक्वल टू 83, x की जगह पर 33 प्लस y इज इक्वल टू 83, y इज इक्वल टू 83 माइनस 33, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, क्लियर? हम लोग क्या फाइंड आउट करने बोल रहा था, फाइंड द फोर एंगल, चारों एंगल फाइंड करने बोल रहा था। तो चारों एंगल जब हम लोग को फाइंड करने बोलेगा, यानी एंगल ए निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा हम लोगों को, एंगल ए। हम यहाँ पर लिख रहे हो, बोलो एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए 2x प्लस 4, 2 इंटू एक्स का वैल्यू बोलो कितना निकला 33 प्लस 4 कितना हो जाएगा 66 प्लस 4 कितना हो जाएगा 70। एंगल बी इज इक्वल टू करो, बी इज इक्वल टू करो y प्लस 3, y प्लस 3 y का वैल्यू बोलो, y का वैल्यू बोलो कितना 50 प्लस 3 यानी 53। एंगल सी बोलो, एंगल सी बोलो 2y प्लस 10 यानी 2 इंटू y, y का वैल्यू कितना निकालें हम लोग 2y प्लस 10 यानी 110। एंगल सी बोलो, सॉरी एंगल डी बोलो 4 इंटू x, x का वैल्यू बोलो कितना निकल रहा है 33, बोलो 4x माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 30, बोलो कितना आएगा 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, यहाँ कितना हो गया सही है, ज़्यादा आ गया, चलो सही है। आप ध्यान से देखो, एंगल हम बताएं कि एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, तो एंगल ए कितना निकला 70 और एंगल सी कितना निकला 110, तो दोनों को ऐड करके देखो 180 आएगा। अब ये दोनों को ऐड करके देखो कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अगर तुम एंगल ए निकाल लिए हो डायरेक्टली 180 से माइनस कर दो, एंगल सी निकल जाएगा, इसमें पुट करने की जरूरत है भी नहीं, क्लियर? तो आज ये चैप्टर हम लोग पूरी तरह से क्लोज कर दे रहे। क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, हम जैसे ही उसको हम रीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम सीन करने के बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग शुरू करेंगे वो लीनियर पॉलीनोमियल शुरू करेंगे। इसका जो चैप्टर है, कुछ चैप्टर तुम्हारा आगे 3F भी है, तो 3F है, MCQ है, सारा क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि इस MCQ सारे का कंक्लूजन यहाँ क्वेश्चन रहता है। तो नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में MCQ को भी कमेंट कर लेना, कर देना, और 3F को भी कमेंट कर लेना। हम जैसे ही सीन करेंगे वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हाँ, दूसरी बात ये बताना है कि जिस बच्चे को इंटरेस्ट है कि ऑफलाइन क्लास करना है, तो ये कोचिंग ऑफलाइन भी चलता है। डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस डला हुआ है, और उस एड्रेस पर आकर के कॉन्टैक्ट कर लेना, कॉन्टैक्ट करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? चलो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।